अमेरिका और भारत के बाद अब ईरान ने भी पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस दौरान ईरान ने अपने दो अगवा सैनिकों को आतंकियों के चुंगुल से सही सलामत छुड़ा लिया। यही नहीं, ईरान की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के कुछ सैनिक भी मारे गए हैं। 2 साल पहले एक आतंकी संगठन ने ईरान के इन 2 सैनिकों को अगवा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऑपरेशन बलूचिस्तान प्रांत में खुफिया जानकारी मिलने के बाद अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान के समर्थन वाले जैश उल अदल नाम के आतंकी संगठन ने इन सैनिकों को अगवा किया था। जैश उल अदल ने 16 अक्टूबर 2018 को दोनों देशों की सीमा पर बलूचिस्तान प्रांत के मरकवा शहर के IRGC के 12 गार्ड्स का अपहरण कर लिया था। इसके बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई और नवंबर में 12 सैनिकों में से 5 सैनिकों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद 21 मार्च 2019 को पाकिस्तानी सेना ने 4 और सैनिकों को रिहा कराया था। आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव को भी अगवा करने के पीछे इसी आतंकी संगठन का हाथ था। इधर दक्षिण पूर्व ईरान में IRGC ग्राउंड फोर्स की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है।